अगर आप भी मेरी तरह रोहित शर्मा के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप कितने बड़े फैन हैं रोहित शर्मा के। और यार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। सबसे पहले जाके चैनल को नीचे सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाएं। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। पता नहीं अपने कसम उठाई हुई कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, जाएं सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित शर्मा की आपको पता है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही थी पहले, लेकिन रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में आके सब कुछ क्लियर कर दिया है। और रोहित शर्मा की जो बातें की जा रही थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की आपस में लड़ाई चल रही है और रोहित शर्मा को जान के सीरिया टूर में सेलेक्ट नहीं किया गया, रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में आके सब कुछ क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला कि मुझे वाकई हैमस्ट्रिंग इंजरी थी और वो सीरियस थी और मैं 100% फिट नहीं था, इसलिए मुझे ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए वन डे और T20 में सेलेक्ट नहीं किया गया। और उन्होंने बोला कि मैं अपनी फिटनेस जो है 100% कर लूँ और टेस्ट टीम में वापस आके अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। अभी उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया और अभी उन्होंने बोला है कि मुझे हैमस्ट्रिंग में कोई पेन नहीं, लेकिन फिर भी मैं 100% फिट नहीं हूँ। उसके साथ ईशांत शर्मा ने भी जो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइन है इंडियन टीम के लिए, इंडियन टेस्ट टीम के लिए। आपको पता है कि इंडिया का ज़्यादा मुकाबला भी टेस्ट टीम में किया जाएगा, कि इंडिया की तरफ से अभी देखने को मिल रहा है कि टेस्ट टीम में ओपन कौन करेगा, पृथ्वी शाह करेंगे, रोहित शर्मा करेंगे, मयंक अग्रवाल करेंगे, KR राहुल करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बहस की जा रही है। वही मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ कि रोहित शर्मा के साथ ओपन कौन करेगा। आपको पता है कि रोहित शर्मा ने अब टेस्ट टीम में तो खेलना ही खेलना है, क्योंकि रोहित शर्मा को वन डे और T20 में तो मौका नहीं मिलना। अब वो टेस्ट टीम में सेलेक्ट किए गए हैं, टेस्ट टीम में रोहित शर्मा ने तो खेलना ही खेलना है। अब सवाल उठेगा कि क्या KR राहुल को चांस मिलेगा, क्या पृथ्वी शाह को बेंच पर बैठना पड़ेगा। तो ये आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर बात की जाए ओपन की, तो ओपन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के साथ जो है वो मयंक अग्रवाल से करवाया जाएगा। अगर बात की जाए पृथ्वी शाह की, तो पृथ्वी शाह का मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी IPL में, तो शायद उन्हें जो है बेंच पे बिठाना पड़ जाए। क्योंकि अगर बात की जाए मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा की, ये थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर में आ जाते हैं, IPL में अच्छा परफॉर्म करके आया हुआ अग्रवाल की बात करें। और अगर KR राहुल की बात करें तो मुझे लगता है कि KR राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में नंबर 4 पे बैटिंग की हुई है, तो शायद उनके साथ नंबर 4 पे जाया जा सकता है। अगर नंबर 4 पे नहीं जा सकते तो फिर आई थिंक KR राहुल को भी बिठाना पड़ सकता है। लेकिन KR राहुल ने जी ख्वाहिश कर दिया कि मैं 300 स्कोर करूंगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब देखते हैं कि KR राहुल 300 स्कोर कर पाते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि वो करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मुझे आप कमेंट का बड़ा वेट होता है कि आप भी मेरी तरह सोचते हैं जैसे मैं सोचता हूँ या नहीं। और अगर इंडियन टीम की बात की जाए तो इंडियन टीम भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रही है, इंडिया के सारे प्लेयर जो वो प्रैक्टिस में मशरूफ हैं। अगर बात की जाए बॉलिंग की, जिसमें जसप्रीत बुमराह रहते हैं, चहल आ जाते हैं, कुलदीप यादव आ जाते हैं, मोहम्मद शमी आ जाते हैं, सारे जो बॉलर हैं वो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर बैटिंग में बात की जाए रहाने, KR राहुल काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़रें होंगी कि वो इंडिया को कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज देंगे मैच विनिंग ना खेल के, रोहित शर्मा के बगैर वाइड बॉल में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं या नहीं दे पाते। उसके बाद जी अगर इंडियन टीम की बात की जाए, इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर आते हैं शेखर धवन, वो भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब पता चलेगा कि रोहित शर्मा के बगैर जो इंडियन टीम वाइड बॉल में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाती है, क्योंकि अगर देखा जाए वाइड बॉल का तो इस टाइम रोहित शर्मा 2-3 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि वाइड बॉल के बेस्ट बैट्समैन, इसमें रोहित शर्मा भी आ जाते हैं। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा कि रोहित शर्मा के बगैर इंडिया किस तरह की परफॉर्मेंसेज देता है। प्रैक्टिस तो काफ़ी अच्छी कर रही है इंडियन टीम, आई होप कि इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म भी करेगी। अगर देखा जाए इंडिया टेस्ट में इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी फेवरेट नहीं समझी जा रही, जो कि वन डे और T20 में काफ़ी ज़्यादा फेवरेट समझी जा रही है इंडिया। और मुझे लगता है कि इंडिया वन डे और T20 में इजीली विन कर सकता है, इंडिया के पास वो टीम है, इंडिया के पास वो स्ट्रेंथ भी है। टेस्ट में थोड़ा सा मसला इंडिया को होगा, टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, जिसमें स्टीव स्मिथ आ जाते हैं, जिसमें डेविड वार्नर आ जाते हैं, उसके बाद मानस लबुशैन है। बॉलिंग में बात की जाए पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, तो टेस्ट में मैं कह सकता हूँ कि इंडिया को थोड़ा सा मसला होने वाला है, बाकी वन डे और T20 इंडिया इजिली जीत सकता है। आप लोग भी मुझे कॉमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं कि इंडिया क्या टेस्ट में फेवरेट है या नहीं है। मुझे लगता है कि इंडिया T20 और वन डे में फेवरेट है। अगर आपको लगता है वो टेस्ट में भी फेवरेट है तो नीचे मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कॉमेंट का ज़रूर लाइक करूंगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, हम वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि एक बहुत बुरी बात है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें।